जय हिंद साथियों, मैं गौतम सिंह जो वाराणसी डिफेंस अकेडमी का कैंडिडेट हूं, मैं सबसे पहले वाराणसी डिफेंस अकेडमी की तरफ से आए हुए सभी अतिथिगण पिता तुल्य समान डायरेक्टर सर, मैनेजमेंट सर और हमारे फिजिकल ट्रेनर अध्यापक गण और नौजवान साथियों को 73वें गणतंत्र दिवस की तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं अपनी पंक्ति को आगे बढ़ाने से पहले दो लाइन स्वतंत्रता दिवस पर कहना चाहूंगा। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। अब मैं अपने डिफेंस अकेडमी पे दो लाइन कहना चाहूंगा। वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो पब्लिसिटी क्या जो वाराणसी डिफेंस अकेडमी की दीवानी ना हो। अब मैं अपने डायरेक्टर मनोज सर को चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को आगे बढ़ाने से पहले अतिथिगणों को बताना चाहता हूं कि हमारे डायरेक्टर सर का योगदान जो हमें यहां मिला है, जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मतलब आर्मी ऑफिसर ऐसे भी होते हैं। तो मैं अपने डायरेक्टर सर के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। इस तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई। इस तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बनाकर देखो यारो, तुझ पे मरेगा हर कोई, तुझ पे मरेगा हर कोई। अब मैं अपने वाराणसी डिफेंस अकेडमी के मैनेजमेंट पंकज सर को चरण स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं और आपको ये बता दें कि यहां के हर डिपार्टमेंट में पंकज सर का योगदान है। चाहे बच्चों की छोटी बड़ी समस्या हो या हमारे मेस का कोई छोटा बड़ा काम हो, चुटकियों में हल कर देते हैं। मतलब जो भी कहूं, पूरे वाराणसी डिफेंस अकेडमी को मैनेज किए हुए हैं। अब मैं अपने मैनेजमेंट सर के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट रहते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। अब मैं अपने सीनियर ट्रेनर गणेश परवान सर का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने हमें बहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा कुछ सिखा दिया। तो कहते हैं ना, हर समस्या का समाधान गणेश पहलवान, हर समस्या का समाधान गणेश पहलवान। हमारे पहलवान सर कहते हैं, जिंदगी की ट्रैक से कभी उतरना नहीं, जिंदगी की ट्रैक से कभी उतरना नहीं। नहीं, जिस दिन तुम जिंदगी की ट्रैक से उतर गए, पीछे का 100 नंबर का लड़का भी तुम्हें हरा के आगे चला जाएगा। तो हमारे पहलवान सर के लिए दो लाइन। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं। अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे अपने सीने से लगा लेना ऐ भारत मां, मुझे अपने सीने से लगा लेना ऐ भारत मां। मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। अब मैं अपने फिजिकल और मेडिकल ट्रेनर मोनू सर का नाम लेना चाहूंगा, जिनको यहां आने के हर डिपार्टमेंट में अपना योगदान दिया है।
हर एक छोटी बड़ी समस्याओं में अपना योगदान दिया है। यहां ही नहीं, यहां से पहले लखनऊ फिजिकल एकेडमी में भी ये 300 से ऊपर नौजवानों को ट्रेनिंग कराते थे और ना जाने कितनों को भर्ती करा चुके हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति पे नाज है कि वो हमारे साथ हैं। तो अब मैं अपने मोनू सर के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा, देश पर जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है, देश पर जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार की जवानी है। अब मैं अपने पूरे टीचर स्टाफ को चरण स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे इस फौज की मौज में सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर स्टाफ का है। तो मैं अपने टीचर स्टाफ के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा, लाख दलदल हो जमीन पे पैर जमाए रखिए, मुट्ठी खाली हो हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं आता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं आता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अब मेरी एक छोटी सी कविता है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं थल सेना का वीर हूं हिंद पुत्र कहलाता हूं, मैं थल सेना का वीर हूं हिंद पुत्र कहलाता हूं, जब जब देश संकट में हो मैं वज्र ढाल बन जाता हूं, देश की सेवा करने को कभी भूखे पेट रह जाता हूं, कभी कश्मीर तो कभी कन्याकुमारी हर जगह विजय पताका लहराता हूं। मैं थल सेना का वीर हूं हिंद पुत्र कहलाता हूं, डाल के वर्दी जिस्म पर मन ही मन मुस्कुराता हूं, सो जाए जनता चैन से इसलिए सीना तान सीमा पर खड़ा हो जाता हूं, धड़ अलग कर दुश्मनों के मैं सरहद पार भगाता हूं, धड़ अलग कर दुश्मनों के मैं सरहद पार भगाता हूं, मैं थल सेना का वीर हूं हिंद पुत्र कहलाता हूं, कभी संदीप पंत सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी शेरशाह पंत बंकत उड़ाता हूं, मैं वो हूं जो वीरों की के खातिर बलिदान हो जाता हूं, मैं गाता हूं वीरों की हर दिल को मैं भाता हूं, मैं थल सेना का वीर हूं हिंद पुत्र कहलाता हूं। अब मैं ज्यादा ज्यादा दो लाइन कहना चाहूंगा, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान के सम्मान का है, ये नशा हिंदुस्तान के सम्मान का है। अरे तैरना है तो समंदर में तैरो, नली नालों में क्या रखा है, तैरना है तो समंदर में तैरो, नली नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो अपने वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। एक गाड़ी है वो उनकी कृपा, दिल हमारा एक है एक ही जान रहेगा, दिल हमारा एक है एक ही जान रहेगा, हम रहे ना रहे यह हिंदुस्तान हमारा रहेगा, ले लेंगे जान उसकी जो इस वतन को बदनाम करेगा, क्योंकि हमारा भारत महान था महान है और हमेशा महान रहेगा। जय हिंद जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मौसम जी। एक गाड़ी लगी हुई है फोर व्हीलर 2953 गाड़ी नंबर है, वो रास्ता वहाँ जो है खतरा हुआ है, थोड़ा उस गाड़ी को जो है हटा लीजिए, जिस किसी महानुभाव का है प्लीज।